आइए शुद्ध हिंदी लेखन के क्रम में आज नौवें भाग में आपको विराम चिन्ह, शिरोरेखा, योजक चिन्ह कहाँ और कब तथा कैसे लगाना चाहिए बताते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हम इन चिन्हों का प्रयोग अच्छी तरह समझ लें तो हिंदी लेखन में एक निखार और स्पष्टता आ जाएगी। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे विशंबर की अवस्था अब 50 वर्ष के लगभग है। शिखा को छोड़ उसके सिर के बाल छोटे छोटे हैं, उसका शरीर दुर्बल है, उसके बाएं कंधे पर एक मोटा सा यज्ञोपवीत है। यहाँ क्रमशः है, हैं, हैं के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह होना चाहिए, तो वाक्य इस प्रकार होगा, विशंबर की अवस्था अब 50 वर्ष की लगभग है, पूर्ण विराम, शिखा को छोड़ उसके सिर के बाल छोटे छोटे हैं, पूर्ण विराम, उसका शरीर दुर्बल है, पूर्ण विराम, उसके बाएं कंधे पर एक मोटा सा यज्ञोपवीत है, पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम एवं अल्प विराम के भेद को समझें। जैसे एक वाक्य है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार पड़ा है। यहाँ क्योंकि से पहले पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य नहीं है। दोनों को मिलाकर एक स्वतंत्र वाक्य बनता है जो इस प्रकार है, वह स्कूल नहीं गया अल्प विराम क्योंकि वह बीमार पड़ा है पूर्ण विराम। इस वाक्य में गया के बाद पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम का चिन्ह लगाना होगा। दूसरा वाक्य देखें, जब तक हिंदी में सब कार्य नहीं होता देश उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ होता के बाद पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए अपितु अल्प विराम का चिन्ह होना चाहिए। एक अन्य वाक्य देखें, कृपया यह बताने का कष्ट करें पूर्ण विराम कि हम क्या पढ़ें। इस वाक्य में करें के बाद पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए अपितु अल्प विराम होना चाहिए। एक और वाक्य देखें, 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी के बाद अल्प विराम होना चाहिए, अन्यथा इसका अर्थ हो जाएगा दुनिया 21 मील चौड़ी है। इसी प्रकार जाओगे कि नहीं की जगह जाओगे कि नहीं होना चाहिए, इसमें की के बाद अल्प विराम नहीं लगेगा। अब आइए प्रश्न चिन्ह कहाँ लगना चाहिए समझते हैं। नीचे चार वाक्य दिए जा रहे हैं, इनके अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा वाक्य कथन मात्र है, प्रश्न नहीं है। जैसे न जाने अब क्या होगा, कह नहीं सकता कि वह क्यों नहीं आया, वह नहीं जानता कि तू कौन है, अभी तक पता नहीं चला कि शत्रु कहाँ है। अब इन वाक्यों को देखें जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। मेरे प्रति कौन सी भलाई की है, दूध में क्या पड़ गया, आप क्या देंगे, आपके विचार में क्या ऐसा हो सकता है, किस लिए जाते हो, इसका क्या लाभ है। आइए अब जानते हैं कि शब्दों के ऊपर खींचे जाने वाली शिरोरेखा या रेखा को आधी अधूरी खींचने से किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे जीवन था, यहाँ जीव और ना को अलग अलग रेखा बनाई जाती है तो अर्थ होगा जीवन था। इसी प्रकार एक कालीन एक शब्द है, इसको एक और कालीन अलग अलग शिरोरेखा खींचने से एक कालीन शब्द हो जाता है। इसी प्रकार ला दो और ला और दो को अलग अलग कर दें तो शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार पीली एक शब्द है और पी और ली ये अलग अलग शब्द हो जाता है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को देखें। किंतु यहाँ ध्यान रहे कि ने का और से में आदि
पर सर्गों को संज्ञा से अलग रखना चाहिए, अन्यथा भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। जैसे घर में, लड़के ने, राजकुमारों का, तालाब से। अब आपको समासों को लिखने के दो ढंग बताते हैं। छोटे छोटे शब्दों का समास हो तो जोड़कर, और बड़े बड़े शब्दों का समास हो तो उन्हें अलग अलग लिखा जाता है। उदाहरण, जैसे छोटे समास अतिरिक्त, आजकल, क्रियाकर्म, घनश्याम, जयदेव, रेखाचित्र, ज्ञानपीठ, प्रतिवर्ष, महत्वपूर्ण, राजपुरुष, लगभग, बनमानुष, समीपवर्ती इत्यादि एक शब्द लिखे जाएंगे। अब बड़े समास शब्दों को देखें, जैसे साहित्य सम्मेलन, यहाँ साहित्य और सम्मेलन दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। नागरी प्रचारणी सभा, यहाँ नागरी प्रचारणी और सभा एक साथ नहीं, अलग अलग लिखे जाएंगे। इसी प्रकार हिंदी परिषद, यहाँ हिंदी और परिषद दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार कर्तव्य पालन, प्रकृत साहित्य, अनुदान समिति आदि भी अलग अलग लिखे जाएंगे। अब आपको शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगाने के विषय में बताते हैं। यद्यपि योजक चिन्ह लगाने और नहीं लगाने के विषय में कोई स्थापित नियम नहीं है, तथापि शिवा मिशन न्यास का मत है कि केवल बड़े बड़े शब्दों और एक जैसे शब्द जिनका निरंतरता में दो बार प्रयोग किया जाता है उनके मध्य योजक चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन के मध्य योजक चिन्ह लगाना चाहिए। इसी प्रकार साहित्य विमर्श, अनुदान समिति, बार बार, चलते चलते, नीचे नीचे, बड़ा बड़ा, अलग अलग, इसी कोटि में आगे पीछे, अलग थलग, आमने सामने भी आते हैं। किंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेषण को संज्ञा के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, अलग रखना चाहिए। जैसे पावन तीर्थ, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगेगा, पावन और तीर्थ दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। इसी प्रकार पतित पुरुष, नया काम, शुद्ध प्रयोग, दीर्घ श्वास, संस्कृत भाषा में इन शब्दों को जोड़कर लिखने की प्रथा है, किंतु हिंदी में नहीं। अंग्रेजी के प्रभाव से प्रायः लोग व्यक्तिवाचक नामों के अवयवों को अलग अलग लिख देते हैं, यह ठीक नहीं है, अतः इन्हें जोड़कर लिखना चाहिए। जैसे ब्रह्मानंद, तुलसीदास, विश्वनाथ प्रसाद, प्रेमचंद, रसिकलाल, रामनगर, राजगढ़ आदि। यदि इस वीडियो में दी गई शुद्ध हिंदी लेखन की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं आगे भी निरंतर देखने के लिए शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।